आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को 6 ऐसे इन्वेस्टिंग रूल बताऊंगा जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें जानना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन्हीं को जानना ज़रूरी है। मैं बता दूं, ये रूल को देख लो, आप लोग के लाइफ में काफ़ी अच्छा बोल सकते हैं हेल्प करेगा एक डिसीजन लेने में। तो आज मैं आप लोग को ऐसे रूल बताऊंगा जिससे आप लोग इजिली कोई भी चीज़ को कैलकुलेट कर लोगे जो आपके लाइफ में ज़रूरी है। वो क्या ज़रूरी है मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, जो हम लोग का सबसे पहला रूल है वो है रूल ऑफ 72। बहुत सारे लोग रूल ऑफ 72 को जानते हैं। मैं बता दूँ, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छा है, बट मैं जो आगे रूल बताऊँगा वो इससे भी एडवांस लेवल का होने वाला है। सबसे पहले जो लोग नहीं जानते हैं, ये देखो रूल ऑफ 72, ये रूल मैं लिख दे रहा हूँ, रूल ऑफ 72 ये आपको बताता है कि आपका पैसा कितने साल में डबल होगा। मेरा कहने का मतलब, मान के चलो आप लोग को जैसे पता है कि हम लोग का जो बैंक में एफडी का इंटरेस्ट रेट कितना है, बैंक का एफडी का इंटरेस्ट रेट है 7%। तो ये 7% अगर आप लोग को रिटर्न मिल रहा है, तो आपका पैसा, मान के चलो आप लोग बैंक में 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये 1,00,000-2,00,000 कितने साल में बनेगा वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? ये सिंपल फॉर्मूला से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपली आप लोग को 72 डिवाइड बाई जितना भी इंटरेस्ट चल रहा है उसको डिवाइड कर देना है। जैसे कि 7 का इंटरेस्ट चल रहा है तो मैंने 7 डाला, तो ये इसको अगर आप लोग डिवाइड करोगे जो कि आता है आपका 10.2, यानी कि 10 साल 2 महीना में आपका जो ये 1,00,000 रुपया है वो 2,00,000 हो जाएगा। और अगर मैं बता दूँ, अगर आपको बहुत सारे लोग जानते हैं इस टाइम म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं, म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हैं, अगर उन्हें 15% जो कि एवरेज मिलता है म्यूचुअल फंड से रिटर्न, 15% का एवरेज उन्हें रिटर्न मिल रहा है, तो उनका पैसा कितने साल में डबल होगा? तो सिंपली अगर आप लोग 72 डिवाइड बाई 15 करोगे जो कि आता है 4.8, यानी कि 4 साल 8 महीना में पैसा डबल। सोच रहे हो, जहां बैंक में 10 साल में पैसा डबल हो रहा है, 1,00,000-2,00,000 कब बन रहा है? 10 साल 2 महीना में। और यहां म्यूचुअल फंड में कब बन रहा है? 4 साल 8 महीना में। और मैं बता दूँ, एक ऐसा शेयर है, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, टाइटन का अगर आप लोग 10 साल का CAGR देखोगे तो कंपनी ने हर साल 24% का रिटर्न दिया है, 24% का। ये मेरा कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेड नहीं है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो टाइटन का आप लोग अगर 72 डिवाइड बाय 24 करोगे जो कि आता है 3, यानी कि हर 3 साल में ये कंपनी पैसा डबल कर रही है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपली आप लोग को 72 ऊपर रखना है और जितना भी इंटरेस्ट चल रहा है उसको इंटरेस्ट को पुट करना है और आपको निकल जाएगा कि आपका पैसा कितने साल में डबल होगा। तो 1,00,000 सबसे कम टाइम में, यहाँ देखो टाइटन बन रहा है, 3 साल में ही आपका पैसा डबल हो जाएगा, यानी कि 1,00,000-2,00,000 हो जाएगा। तो रूल ऑफ 72 आप लोग समझ गए। अब मैं आपको सेकेंड रूल के बारे में बताता हूँ। हमारा जो सेकेंड रूल है वो है रूल ऑफ 114। ये कौन सा रूल है, इसका रूल का फीचर्स क्या है? मैं बता दूँ, रूल ऑफ 72 में आप लोगों को पता लगता था कि आपका पैसा कितने साल में डबल हो रहा है। इसमें आपको पता लगेगा कि आपका पैसा कितने साल में 3 गुना होगा, यानी कि ये 1,00,000-3,00,000 कब बनेगा। उसमें था कि 1,00,000-2,00,000 कब बनेगा, इसमें 3,00,000 कब बनेगा, मतलब कि 3 गुना कब होगा। तो सिंपली आप लोग को 114 रखना है। जैसा कि मैंने बैंक का इंटरेस्ट बताया 7% है, तो अगर आप लोग 7% से इसे डिवाइड करेंगे जो कि आता है 16.2, यानी कि 16 साल 2 महीने में आपका यहाँ पर पैसा 3 गुना हो रहा है। यहाँ पर 16 साल 2 महीने में आपका पैसा 3 गुना हो रहा है। 1,00,000-3,00,000 कब बनेगा? 16 साल में। फिर अगर म्यूचुअल फंड में करते हो आप लोग, तो यहाँ सिंपली आप लोग को 114 और 15 से डिवाइड करोगे जो कि आता है 7.6, यानी कि 7 साल 6 महीना, 7.5 साल में आपका जो पैसा है वो 3 गुना हो जाएगा। 1,00,000-3,00,000 कब बनेगा म्यूचुअल फंड से? 7.5 साल में। और अगर आप लोग टाइटन में इन्वेस्ट करते हैं तो 114 डिवाइड बाय आप लोग का 24 जो कि आपका जो 3 गुना होगा 4.7, यानी कि 4 साल 7 महीना में ही आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा। 1,00,000-3,00,000 हो जाएगा सिर्फ 4 साल में, 4 साल 7 महीना में। अब मैं आपको थर्ड रूल बताता हूँ। हमारा जो थर्ड रूल है वो है रूल ऑफ 144। ये रूल ऑफ 44 कुछ नहीं है, बिल्कुल उसी के तरह है। 72 में आप लोग को पता चलता था कि आपका पैसा दुगना कब होगा, यानी कि 2x कब होगा, और 114 में आप लोग को पता चलता था कि 3x कब होगा, 1,00,000-3,00,000 कब बनेगा, और इसमें पता चलेगा कि 1,00,000 यानी कि 4 times, यानी कि 1,00,000-4,00,000 कब बनेगा, यानी कि 4 गुना पैसा कब बनेगा। तो सिंपली 144 अगर बैंक से आप लोग को 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपका पैसा मान के चलो बैंक में 1,00,000 है, तो वो 1,00,000-4,00,000 कब बनेगा? मैं बता दूँ आप लोग, कब बनेगा?
20.5, यानी कि 20 साल में, सारे 20 साल में आपका पैसा चार गुना होगा। 1 लाख 4 लाख का बनेगा 20 साल में, अगर बैंक में आप लोग यहाँ पर FD कर रहे हो तो। म्यूचुअल फंड में चार गुना कब बनेगा, तो सिंपली 15 में कर दे रहा हूँ, तो जो कि निकल के आता है 9.6। 9.6 मतलब कि 9 साल 6 महीना, सारे 9 साल में आपका पैसा चार गुना हो जाएगा, 1 लाख 4 लाख 9 साल, सारे 9 साल में बन जाएगा। अगर आप लोग टाइटन में इन्वेस्ट करेंगे तो सिंपली 144/24, अगर इसे आप लोग डिवाइड करेंगे जो कि आता है 6 साल, 6 साल में आपका पैसा 1 लाख 4 लाख 6 साल में हो जाएगा टाइटन में। मैं बता दे रहा हूँ, मैं ये कोई रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग टाइटन में जाके इन्वेस्ट करो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। इससे भी हो सकता है ये टाइटन 24% है, कोई ऐसा स्टॉक हो जहाँ 30% का अगर CAGR मिले तो सोचो, जितना ज़्यादा अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो उतना कम समय लगेगा आपको पैसा दुगुना होने में, तीन गुना होने में, चार गुना होने में। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ। तो अब रही बात, देखो ये बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और सोच रहे होंगे क्या ये बच्चे वाला चीज़ बता रहा है, क्योंकि अगला जो मैं 3 रूल बताऊंगा ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको चलो 4th रूल बताता हूँ। तो हमारा जो 4th रूल है वो है रूल ऑफ 70। ये रूल ऑफ 70 मैं बता दूँ ये क्या है। मान के चलो आप लोगों ने इन्वेस्टिंग किया या बैंक में कहीं पर भी पैसा रखे और आपने एक मोटा रकम जुटा लिया जो कि मान के चलो 50 लाख। तो देखो आज ये 50 लाख का जो वैल्यू, जितना आज मेरे पास मान के, तो देखो ये 50 लाख का जो आज वैल्यू है, तो 50 लाख का जो सामान आज खरीद लोगे वो ज़रूरी नहीं है कि 10 साल बाद 50 लाख में आप लोग उतना सामान खरीद लोगे, यानी कि इसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो ये 50 लाख 25 लाख कितने साल में हो जाएगा, आपको अगर पता करना है कि आपका जितना भी पैसा आपके पास है तो उसका हाफ वैल्यू कब तक हो जाएगा, तो सिंपल सा रूल मैं बता रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पर 70, और आप लोगों को मैं बता दूँ जो हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है तो अभी 6% का चल रहा है, तो यहाँ पर 6% से अगर आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो 11.6, अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, यानी कि 11 साल 6 महीना में ये 50 लाख का जो वैल्यू है वो 25 लाख हो जाएगा। तो आज जो सामान आप लोग 50 लाख का खरीद ले रहे हो, 11 साल बाद आप लोग नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि आपका जो वैल्यू पैसा का हो जाएगा 25 लाख हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन से आप लोग पता कर सकते हैं कि आपका पैसा का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन रेट बनना एक तरह से आप लोग का पैसा को खा रहा है, इन्फ्लेशन रेट, इसलिए आप लोग ऐसा जगह इन्वेस्ट करो ताकि इन्फ्लेशन को बीट कर सको। बैंक में करोगे 7% तो यही मिल रहा है, बैंक में अगर आप लोग FD कराओगे तो 7% मिल रहा है इंटरेस्ट, तो महंगाई भी तो 6% से बढ़ रही है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आप लोग को लग रहा है पर कुछ नहीं मिल रहा है। एक तरह से महंगाई बढ़ रही है तो उतना ही आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर आप लोग को कब फ़ायदा होगा, जब आप लोग अगर म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तब फ़ायदा होगा, क्योंकि आप लोग इन्फ्लेशन को बीट कर लोगे। बट मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, इन्फ्लेशन रेट जैसे बढ़ेगा आप लोग कैलकुलेट कर लेना, मैं इंडिया का भी 6% चल रहा है, तो 11 साल 6 महीना में ही आपका पैसा हाफ हो जाएगा, जितना भी आज आपके पास पैसा पड़ा है उसका हाफ वैल्यू हो जाएगा 11 साल बाद। बट ये रूल ऑफ 70 यही बताता है कि आपका पैसा कितने साल बाद हाफ हो जाएगा। तो अब मैं आपको 5th रूल के बारे में बताता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा जो 5th रूल है वो है रूल ऑफ 110। ये क्या है रूल ऑफ 110, मैं बता दूँ, बहुत सारे लोग हमेशा उनको एक प्रॉब्लम रहती है कि जितना भी कमा रहे हैं उनको कितना परसेंट स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, कितना परसेंट वो सेव करना है, मतलब कि स्टॉक मार्केट तो रिस्क ही होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं स्टॉक मार्केट में कितना परसेंट अपना पोर्टफोलियो का डालें, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अपना पैसा कितना परसेंट स्टॉक में डालें, कितना परसेंट गोल्ड में डालें, कितना परसेंट सेफ जगह में डालें, जितना सेफ हो सकता है। तो मैं बता दूँ ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, 110 माइनस योर एज, मान के चलो 110 में लिख दे रहा हूँ, माइनस आपका एज 40 का चल रहा है, तो इसको माइनस करोगे निकलता है 70। तो इसका मतलब कि 70% आपको पैसा स्टॉक मार्केट में डालना चाहिए और 30% पैसा आप लोग को सेफेस्ट जगह में डालना चाहिए, चाहे हो गया गोल्ड, हो गया डेब्ट फंड, हो गया मतलब जितना सेफ जगह होता है ना, जहाँ से पैसा डूबने का कम से कम चांस रहे वहाँ पर 30% आपको डालना है। मान के चलो 110 माइनस मेरा एज मान के चलो 30 साल चल रहा है, तो इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 80। तो इसका मतलब क्या है कि 80% मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा डालना है और 20% सेफेस्ट जगह में, जैसे कि बैंक का FD हो गया, डेब्ट फंड हो गया, आप लोग गोल्ड हो गया, ये सारे जगह सेफ है। तो यहाँ जैसे रियल इस्टेट हो गया तो ये जगह सेफ है, मान के चलो 20 हो रहा है तो 20 मतलब कि 90%।
तो आप लोग अपने एज के हिसाब से यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपको कितना अपने हिसाब से आपके एज के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके एज के हिसाब से कितना परसेंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है और कितना परसेंट आप लोग को सेफेस्ट जगह में इन्वेस्ट करना है। तो ये रूल आपको यही बताता है 110। हमारा जो सिक्स्थ रूल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये रूल मैं बोलूँगा हर कोई को फॉलो करना है, क्योंकि जो रूल मैं बता रहा हूँ वो है 3-6 मंथ रूल। ये है क्या मैं बता दूँ, ये रूल आप लोग को हेल्प करेगा आपके पास एक इमरजेंसी फंड होगा। मेरे कहने का मतलब कि मान के चलो आज आपका सैलरी 20,000 रुपया है, तो मैं बोल रहा हूँ कि 3 महीना आपको सैलरी को सेव करना है। तो अगर 20,000 को 3 महीने से आप लोग प्लस करोगे तो टोटल होता है 60,000। और बहुत सारे लोग ये 3 और 6 क्या है कि आपको जितना भी आपका सैलरी हो रहा है उसको सेव करना है 3 महीना या हो सके तो 6 महीना। अगर 3 महीना सेव करोगे जिसका सैलरी 20,000 तो होता है 60,000, और अगर 6 महीना करोगे तो होता है 1,20,000। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि 1,20,000 जो मैंने कहा, तो ये 1,20,000 क्यों आप लोग को सेव करना चाहिए, क्योंकि ये इमरजेंसी फंड में आप लोग का हेल्प करेगा। मान के चलो आज आप लोग नौकरी कर रहे हैं, कोई भी ऐसा कंडीशन हो सकता है जिसके वजह से आपको नौकरी छोड़ना पड़े, तो देखो नौकरी छोड़ना पड़े, अब मान के चलो आपको टाइम लगेगा 2-3 महीना में कोई अच्छे जॉब पकड़ने के लिए, तो उसके लिए आपको घर चलाने के लिए कुछ तो पैसा होना चाहिए ना, तो ये इमरजेंसी फंड आप लोग को हेल्प करेगा। और ये इमरजेंसी फंड ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब दिलाने में ही हेल्प करेगा, बहुत सारी चीज़ में आपको हेल्प दिला सकता है। तो आप लोग जितना कोशिश करें, अगर आपका सैलरी 1,00,000 है तो 3 महीना सेव करोगे तो 3,00,000 बचेगा। अगर आप लोग चाहते हैं नहीं मैं 6 महीना 3 या 6 महीना करोगे तो आपके लिए बेटर है, 1,00,000 सैलरी है तो 6,00,000 रुपया आपके पास इमरजेंसी फंड में पड़ा हुआ है। और ये आपको हर साल करना है, इससे होगा क्या कि आपके पास एक ऐसा फंड होगा अगर आपको कोई भी सिचुएशन आ जाता है तो आप लोग इजीली हैंडल कर लोगे। और ये मैं बोलूँगा जो 10,000 कमाता है या 5,000 भी कमाता है 6,000 भी करता है तो उनको भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत हेल्प होने वाला है। और ये छोटा छोटा पैसा है ना, एक टाइम में बहुत भरा हो जाएगा इमरजेंसी फंड, और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इतना पैसा जमा कर लिया। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कुछ हादसा होगा तभी यूज़ करो, करोगे तो आपके लिए बेटर है। तो ये 6 रूल जो मैंने बताया, ये 6 रूल आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना, और ये 6 रूल बहुत ही आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, ये मेरा गारंटी है, और काफ़ी हेल्प करेगा। इजिली कैलकुलेशन है क्या, अगर कोई पूछ दिया आपको कि आपका पैसा कितने साल में डबल होगा तो आप लोग इजिली बता भी पाओगे कि अच्छा मुझे यहाँ से इतना परसेंट का रिटर्न मिल रहा है तो मुझे इतने साल बाद पैसा डबल मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन आप लोग को हमेशा पता रहना चाहिए था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।